जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन बैठ जाओ। बैठो भजन, कपड़ा डालो। दो दिन दिवाली के होते हैं, अब अलग अलग है, साधुओं के अलग होती है, वैष्णवों के और लोगों के अलग होती है, लेकिन 7-8 को दोनों दिन है। तो अभी आने वाली है, खेत में लोग जो है तो रावटी टेंट लगवा देंगे, लोग बहुत आएंगे। तो जो लोग नए आए हुए हैं अभी, वो तो और कोई जाने वाला हो तो वहाँ बाहर आ जाओ, उठा बच्चे बाहर आ जाओ। जो नया हो, कोई जाने वाला हो या जो अभी आए हो, उनमें से बाहर लेन में बैठ जाओ, जल्दी से जाओ जल्दी से। और आप लोग जो बाकी हो, थोड़ा सा ध्यान पर बैठ जाओ, बाकी लोग ध्यान पर बैठ जाओ। थोड़ा सा निशान है, समझ के, सबका अलग अलग है, इनका यही रहेगा, दूसरा निशान कहीं नहीं, ये दूसरा कर रहे। अब इसमें ये किसी ने तो साक्षात्कार कर लिया और किसी ने उसकी झलक देखी, तो झलक ही में कुर्बान हो गया। कहते हैं कि इसकी ज्योति देखने से बड़ा अद्भुत, मामूली ज्योति तो नहीं है, जो 3 लोक का मालिक है उसकी ज्योति कम नहीं, कितना उसमें प्रकाश है और कितनी उसमें किरणें हैं, और क्या क्या जुदा जुदा 3 लोकों का अलग अलग ये काम दे रही, वो तो वहाँ दिखाई देता है कि ये किरणें इस लोक का काम देती है, किरणें इस लोक का काम देती हैं, ये स्वर्ण का वैकुंठ का काम, ये इसका काम, ये मृतलोक का काम दे रही, अलग अलग हैं, धाराएँ हैं उनकी, इसलिए वो कहते हैं ज्योति स्वरूप है, बड़ी धाराएँ गिरने में नहीं आ सकती। तो ये कहते हैं कि वो दिखाई देते, जब वो देखोगे तब आप ऊपर रास्ते में धसोगे, तो कहते हैं बंकनाल का टेढ़ा रास्ता है। तो जब तिल पर जमाओगे तभी तो अंदर को धसोगे, तिल खुलेगा तब तो आँख खुलेगी, और तिल नहीं खुलेगा तो आँख आप भी बंद है, तीसरी आँख बंद रहेगी। तो कहते हैं दृष्टि को संवार के तिल पर जमा करके रखो, तब ये काम पर। बोलो सोन शेखर चंद्र पे दसमा द्वार से तपे। कहते हैं कि भाई सुन, चढ़ जाओ दसवें द्वार में। तो दसवें द्वार में जो बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अब ये बंकराल के रास्ते में जाओगे तो ऊपर भी मिल जाएगा उनका साक्षात्कार, ऊपर भी जाओगे सुन की तरफ तो फिर उसको देखो, देखना कहते देखना कि चलो वहाँ देखो चल के, वो दसवां द्वार है, उसी को पारलम कहते हैं। मुसलमान इनको अल्लाह कहते हैं, और त्रिकुटी में जो बैठे हुए उनको कहते हैं रब, और सैदल कर में बैठे उनको खुदा कहते हैं, अपने यहाँ उनको परमात्मा कहते हैं हिंदी भाषा में, और वो खुदा कहते हैं, और ऊपर वाले को रब कहते हैं, आप ब्रह्म कहते हो, वही इतना ही अंतर है, शब्दों का अंतर है, बात तो एक ही है। और वो कहते हैं कि रब है, वो ये कहते हैं आप कहते हैं, तो कहते नहीं मुसलमान के रब की कसम और रब की है और रब ये कहते हैं, तो उनको तो पता नहीं किसी की कसम का हो उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं। ऊपर में जाओ तो दसवां द्वार, कहते वहाँ चलो को देखो चल के अपनी आँख में। बोलो सरबर में मुक्ति रेख किंगरी धोने सुने विशे। वो सरबर है बहुत बड़ा तालाब, उसी को मानसरोवर कहते हैं। कहते हैं कि अगर तुझे उस मुक्ति का भेद जानना है तो पहले स्नान कर उस सरबर में, और वहाँ कौन रहते हैं, वो कहते हैं गोस्वामी कि तीर तीर देवों के मंदिर, यानी किनारे किनारे जैसे देवता लोग बसते हैं उसके, तो कितना बड़ा वो बस सरोवर है, सरोवर कहते हैं तालाब, कहते हैं तू वहाँ चल पेक देख और उसमें स्नान कर, वहाँ नहा, जब वो नहाएगा तभी तेरा हंस रूप निकलेगा, और हंस रूप होगा तो मोती चुमेगा, यह है उसका प्रमाण ही है कि जैसे हंस रूप हुआ उसका तो मोती चुमेगा, मोती चुमता है। तो चल वहाँ सरोवर को, वहाँ उसमें स्नान करो, देख वहाँ कौन कौन रहता है वहाँ सरोवर के किनारे किनारे, वो तो सरोवर कितना बड़ा, वो तो ये आपके ईश्वर का 3 लोक नहीं है इतना बड़ा, और ना इस ऊपर ब्रह्म का इतना लोक बड़ा, वो तो इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लेकिन प्रमाण संतों ने इतना दिया है कि जो अमृतसर में जो तालाब है उसका एक उन्होंने कहीं कहीं किसी किसी महात्मा ने उनका बताया कि मतलब ऐसा, लेकिन ये तो बाहर का है, वो तो बहुत बड़ा
उसके सामने तीन लोग क्या चीज है, उस सर्वर के सामने कहते वहाँ चल और वहाँ स्नान करो फिर देख समझ तेरा हंस रूप निकलेगा तो मोती चुमड़ा बोलो अब वो कहते हैं कि भाई माँ तुम ऊपर में जैसे ही दसवीं द्वार में उसका बारहवीं का दर्शन हुआ उसका तो आगे जाए वो तो मतलब ये है कि उसका उसके बाद में नका उसका तब जाके कहते हैं महासुन का कहते हैं अंध घोर है वो मैदानी इतना खरबों योजन लंबा इतना मैदान है उसमें कि कहते कुछ नहीं दिखाई देता कुछ का मतलब इतना प्रकाश है कि सूरज की आँख बिल्कुल एकदम से उसमें बंद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती तभी तो उसको प्रयाग में स्नान करना ये ऐसा अंधघोर इतना प्रकाश है कि वहाँ यहाँ की सूरतें जाके सब अंधी हो जाती कुछ नहीं करते आँख एकदम तिलमिला गई कुछ नहीं इतना प्रकाश उसका तो कहते हैं वहाँ पर कितना अड़ंगा है प्रकाश का यानी सुंदरता का उसकी खूबसूरती का उसकी रचना का कितना अड़ंगा कि कोई भी अगर साधक जाएगा तो उधर नहीं जा सकता उधर जाए नहीं सकते उसको रोकने का उसको उसको देख कर रुके और कुछ नहीं वहाँ रचना ही रचना है आनंद ही आनंद है लेकिन इतनी रचना अद्भुत अद्भुत है उस मैदान में कि वो आगे उसको देख करके आनंद लेकर के खुश होकर प्रसन्न होकर के बाग बाग होकर के धन धन होकर के आंग नहीं जाता उस रचना को और प्रकाश इतना तो फिर आगे मतलब ये है कि प्रयाग है तब उसको प्रयाग में स्नान करेगा धारा आ रही है ऊपर से धारा आ रही है अखंड धारा तो उसमें स्नान तब प्रकाश बर्दाश्त करता तब उस मैदान को पार कर सकेगा नहीं तो उस मैदान को कोई भी नहीं जा सकता है इसलिए संतों ने कहा भाई समझ बूझ करके चलो गुरु की शरण पकड़े रहो छोड़ो मत क्योंकि वो उधर मिलेगा उधर में तभी आपको ले जाएगा और तुमने अगर कुछ जोर किया कि हम कुछ समझ गए तो बस रह जाओगे भाई इसलिए अंतिम जगह तक अंतिम धाम तक तब तक बराबर शरणागति और जब वहाँ पहुँचा हो तो सब लोग आ जाते फिर क्या बोलो सूरत जाकी न पोड़ सतगुरु संग चली दो कहते हैं इस मैदान में यानी इस रचना में कहते हैं कि सूरत को खूब पौड़ मजबूत कर लिया कि उसको देख सके उसको सहन सके शब्द भी बहुत है शब्द भी नीचे से बहुत ज़्यादा तो वो भी बर्दाश्त होगा शब्द भी बर्दाश्त नहीं प्रकाश भी बर्दाश्त नहीं तो फिर कहते सतगुरु को संग लिया पहले तो स्नान करके पौड़ हो गई मजबूत हो गई स्नान प्राग में किया कर लिया वो तो धारा है बह रही है उसमें स्नान किया उसमें इतना प्रकाश है कि इतना प्रकाश उस धारा में आ रहा कि जितना प्रकाश महासुन के मैदान में नहीं है तो सीधा यहाँ उसे बर्दाश्त कर ले फिर बस खोल करके फिर देखे चल के तो कहते हैं सतगुरु इसमें साथ चलेंगे नहीं खरब जोजन नीचे और खरब जोजन जाए और खरब जोजन इधर और खरब जोजन ऊपर चले जाए उसका कोई पता नहीं चलेगा ये ऐसा मैदान है इस तरह का अब ये भेद अंदर का है चढ़ाई में तो दिखाई देता है सुनाई देता और सूरज सब देखती है लेकिन अब ये यहाँ से वहाँ का वर्णन नहीं हो सकता क्या बताया जाए अब यहाँ कोई चिन्ह मिलेगा उसी की एक नमूना कोई मिसाल दे दी जाएगी तो भाई ऐसा है ये नहीं है लेकिन मिलता जुलता वो बहुत बड़ा ये छोटा इसलिए सूरज का प्रकाश या स्थानीय ईश्वर का प्रकाश इतना बहुत बहुत प्रकाश तो ये मैदान ऐसा कि अंधघोर मैदान है यानी अंधघोर बिल्कुल जब तक ये सूरत स्नान न कर ले प्रयाग का तब तक वो प्रकाश बर्दाश्त नहीं जा सकते और साथ गुरु जाएंगे तब काम होगा जब तक साथ उसमें नहीं चलेंगे गुरु तो पार नहीं कर सकेंगे बोलो आगे की गली लीन दुनय अनंत साध चीन हंस मिले अति प्रवीण वाह अति प्रवीण बहुत ताकतवर हंस कहते हैं अनंतो धुने और उसको चीर लिया कि ऊपर की धुन कौन सी है उसी को पकड़ के सुझाना तभी तो कहते हैं कि ये धुने पकड़ो और मंडलों पर बहुत धुने आ रही हैं तो अगर सबको सुनेंगे आप
तो आप नहीं ऊपर चढ़े होंगे, तो जो नामदान के वक्त में जो महात्मा देते हैं उस धुन को याद रखो, और जब वो सुन लो तो उसी धुन को खोजो, उसी में तो उसी में वो मिल जाएगी, उसी में हो रही है। लेकिन वो और धुने इतनी हो रही है कि आपकी क्यों नहीं समझ में आता कि सूरत गंदी है। सूरत साफ हो जाए तब तो पहचान लें, तो सूरत के कानों पर मैल है, आँख पर भी मैल है, इसलिए वो पहचानने में नहीं आती। तो धीरे धीरे उनको सुन करके जब साफ हो जाएगी तो उस धुन को जब पकड़ेगी तो धुन आने लगेगी, तो और धुने सब बंद हो जाएंगे, वही धुन उसको पकड़ के फिर चढ़ना उसको। ऐसे ही सब स्थानों पर है, ऐसे ही सैदल कमल के ऊपर और फिर ऐसे ही मतलब त्रिकुटी के ऊपर, सब जगह पर ऐसा ही है। तो कहते हैं अनंत धुने, फिर जो बताया उस धुन को पकड़ लिया उसने, सुन लीजिए आप ऊपर से जो आ रहे, क्योंकि